गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। एंड अभी यहाँ मॉर्निंग हो गया दिमा हसाओ में, हाफ लॉन्ग में। एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है। एंड यहाँ में मैं रह रहा था, इस वाले कम्युनिटी हॉल है एक विलेज का, जो कि एक भाई साहब ने मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दिया। तो मैं मिलवाऊँगा उससे भी, फिर पहले एक इस जगह का अभी थोड़ा बहुत वो दिखा देता हूँ नज़ारा। वैसे मैंने एक गलती कर दिया कि मॉर्निंग को ही, पूरा मॉर्निंग को ही मुझे दिखाना चाहिए था। अभी तो 8 बज गया, क्योंकि मॉर्निंग में जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एंड मैं थोड़ा भूल गया था। तो अभी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है अभी ये विलेज, आगे भी जाके दिखा देता हूँ। हेलो। तो यार पूरा मॉर्निंग में यहाँ पे सब फॉगी फॉगी था, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था यार। थोड़ा गलती क्या किया कि मैं अभी 8 बजे दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन हाँ देखने को आज आज नहीं तो कल तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, तभी अच्छे से दिख पाएगा। तो ये कुछ ऐसा छोटा सा विलेज है हाफ लॉन्ग का, पूरा सामने में लाइक ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऐसा होता है शायद हाफ लॉन्ग यहाँ से। एंड यार यहाँ हूँ अभी मैं, कुछ ऐसा होता है यार। मॉर्निंग में मैंने फ़ोटो लिया था, वही दिखा दिया। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं भाई साहब ने मुझे अपना घर में लेके आया इनवाइट करके। ये कुछ ये खा रहा हूँ अभी, एंड ये कुछ डिमासा डिश लग रहा है इसको, हम भी थाई बोलते हैं, वो लोग भी था बोलते हैं। वो उस जैसा है, क्या बोलता था उसको, तपियोगा, तपियोगा जैसा, तपियोगा ही है। बाकी ये अंडा फ्राई किया है तो खा लेता हूँ अभी मॉर्निंग का। तो खा पी के हम गांव के अंदर में निकल आया था, कुछ एक नेपाली बस्ती है ये गांव का पास में ही, एंड ये हफलों का पास में ही है। और भाई लोग अभी मुझे वहाँ तक ले जाएगा घूमने के लिए, एंड कुछ गांव वगैरह दिखाएगा, एंड गांव बुरे का घर में ही जा रहे हैं हम। तो कुछ ऐसा रास्ता है अभी, एंड उधर से आया था हम, उधर फिर से हाईवे मिलेगा, तो ऐसा रास्ता है अभी। एंड हम जा रहे हैं भाई लोगों, दो तो भाई लोगों के साथ जा रहे हैं अभी फिलहाल। एंड दो भाई साहब अभी इंट्रोडक्शन दे दो अपना। ठीक है, मेरा नाम ध्रुव लांगटा सा है हाँ, और ध्रुव लांगटा सा। मैं दिमलिक राज्य में रहता हूँ, यानी कि हाफ लॉन्ग। हाँ इसके बाद मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, वो है ध्रुव ब्लॉग्स बोल के। ठीक है, तो हाँ और भाई को, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट करो भाई को, ठीक है, हाँ और हाँ इससे थैंक ज़्यादा यू। प्यार दो भाई को और बहुत सपोर्ट करो भाई को। थैंक यू। एंड भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग से चेकआउट कर सकते हैं आराम से। एंड भाई साहब जा रहे हैं हमारे साथ। हेलो, ये भाई साहब मेरा हेलो नाम बोलो। प्रणोजित हसन है, हाँ इसके साथ कल मिला था प्रणोजित भाई, हसन। बहुत नंबर गए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब सब करना है। हाँ थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो कुछ ऐसा है अभी रास्ता, एंड हम ये अभी दिमालिक ही है ना ये वाला गाँव। ये जो है ना, हाँ ये यहाँ पे जो पुराना रेलवे स्टेशन है, हाँ हाँ ये स्टेशन है, रेलवे हाँ ट्रैक है ना, हाँ इसका ऊपर से आपका होगा दिमालिक दिमालिक। राजी, इसके अभी बाद ये अलग हो गया, अलग हो गया, ये अलग अच्छा विलेज हो गया। ठीक है, ये कौन सा विलेज है अभी? ये कृष्णनगर, कृष्णनगर। अच्छा, यहाँ पे नेपाली कम्युनिटी रहता है ज़्यादातर, नेपाली कम्युनिटी। नेपाली, अच्छा कुछ नेपाली। हाँ ऐसा प्लांटेशन वगैरह घर कुछ ऐसा दिखता है, एंड आगे भी दिखाऊंगा आराम से सब कुछ दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक अलर्ट हाँ बीडीपी ड्यूटी बोल के देखा दो। हाँ, अलर्ट बीडीपी क्या होता है ये एक्चुअली? बीडीपी बस्ती के अंदर में एक ड्यूटी करते हैं। हाँ मैंने यूनिटी यूनिट बस्ती का जो यूथ लोग है ना, हाँ हाँ उन लोग का एक ड्यूटी रहता है रात को, मैंने कोई जाना आना होने से। अच्छा, तो विलेज को गार्ड जैसा करते हैं। हाँ हाँ विलेज को गार्ड करते हैं। बहुत ही सुंदर नजर है यार ये विलेज का, तो बहुत ही फ्रेश एयर जैसा लग रहा है हमें, एंड बोले तो हरियाली हरियाली है सब जगह, पूरा व्यू भी अच्छा है, और उधर का पहाड़ भी बहुत अच्छा है। ये देखो भाई घर वगैरह कुछ ऐसा होता है। एंड गाइस मैं अभी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि अभी यहाँ में हाफलोंग में, उमरंगसू में होगा ना फेलकन? हाँ उमरंगसू में, हाफलोंग के पास में ये एक फेस्टिवल भी होने वाला है, फेलकन फेस्टिवल बोल के, जो कि एक बार्ड का वो फेलकन मतलब वो बार्ड है ना, बार्ड है, बार्ड है। हाँ उसका नाम से ही वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वो फेस्टिवल बहुत अच्छा से मनाया मना हाँ, बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और इसमें ना आएगा वो बॉलीवुड का सिंगर लोग भी आएगा, बाकी एक मेरा फेवरेट बैंड भी आने वाला है, जो कि आप लोगों का भी फेवरेट होगा शायद, लोकल ट्रेन। हाँ
वो आने वाले, बहुत ही अच्छा बहन है यार, मुझे पूरा देखने का वो है, मन है, मतलब पूरा फेवरेट है मेरा। एंड और आने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल ना, हाँ जुबिन नौटियाल, वो बॉलीवुड सिंगर, वो भी आ रहा है, धमाके मचने वाला है। हाँ वो होने वाला है बहुत। एंड कल्चरल म्यूजिक नाइट, ट्रेडिशन फूड, सब कुछ देखने को मिलेगा ना, आराम से पूरा। हाँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो होगा 19 नवंबर ना, 19-20 होगा। हाँ 2 डेज फेस्टिवल होगा ये, 10 स्टे सब भी मिलेगा, 10 स्टे सब कुछ। हाँ सब कुछ तो यहाँ देखो कुछ ऐसा भी उगाते है, लाई पत्ता है अभी, ये लाई पत्ता। और क्या क्या उगता है यहाँ में, सब्जी वगैरह ये सब? यहाँ पे मूला भी होता है आपका, मूला यानी कि सब्जी ना। हाँ सब्जी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ, सब कुछ, जैसे कि तो अभी फिलहाल ये वाला रास्ता मिल गया, ऐसे वाला। इसमें क्या ले जा रहे हैं इसमें? हाँ पानी, पानी अच्छा, ये पाइप जाता है टाउन में, ठीक है, टाउन में पानी ले जाता है। अच्छा तो बाहर में रख दो, भाई साहब बहुत ही सुंदर गांव है सच्चे में, पूरा डेकोरेटेड है घर सब भी, फूल वगैरह से गार्डन। और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है, लोग भी, हाँ लोग तो अच्छा ही होगा, वो ना उधर में ही तो जाने वाला था ना, उधर देखा जी। एंड अभी हम पहुंचने वाले हैं विलेज हेडमैन का घर में, गांव बुरा का घर में, मुखिया जी। ऐसे हेलो, क्या नाम है आपका वैसे? मोनू। हाँ हेलो, हेलो गाँवपुरा का बेटा, नेपाली ट्रेडिशनल, क्या बोलते हैं इसको? सेल रोटी, सेल रोटी, सेल रोटी, सेल रोटी साथ चाय, कॉपीराइट इसमें कुछ मिलाएगा? नहीं मालूम है भाई साहब को, मालूम नहीं कि ये कैसे बनाते हैं इसको। तो अभी ये यहाँ का राइस बियर भी टेस्ट कर लेता हूँ, तो मूला भी उगा रहे हुआ हमें मूला। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी डैम में ना, कुछ डैम है वो, एंड उस डैम से हाफलोंग में वो पानी का सप्लाई भी होता है, तो वो देखने जा रहा हूँ अभी। ये पहले वाला रास्ता ही है, कम है ना पानी? हाँ कहाँ तक? यहाँ तक आता था। ओ तो सिर्फ ऐसा पानी है अभी, उतना सा। वो जो ऊपर में हमने पाइप दिखाया था, पाइप देखा था, तो ये यही वाला, यही से पानी जाता है हाफलोंग टाउन तक। एंड इस डैम से, इस रिवर से पानी जाके उधर ऐसे ऐसे ऊपर में जाके प्योरीफाई भी होता है ऊपर में, मतलब इसको फिल्टर किया जाता है, उसके बाद हाफलोंग लिया जाता है मेन टाउन में। ये देखो पर तो देखते होगा, तो ये कुछ ऐसा है डैम, वहाँ में है डैम, बाकी ये फ्रेश पानी है, कहाँ से पार करेगा?
नहीं पहले तो बहुत गड्ढे था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा वॉल है बोलते ना, हाँ वॉल है, अभी पूरा जितना भी ऊपर से क्या बोलता है ये मिट्टी यानी कि बालू पत्थर से बात है यहाँ पे जमा हो जाता है। अच्छा, ये इसकी वजह से अभी यहाँ पे पूरा पानी का पूरा निकल गया। देखो भाई कहीं पे भी पहुंच जाता है नोमैड हिचहाइकर भाई। तो हम अभी हमें नहाने भी वाला है हमें तो अभी, एंड ये पानी कुछ ऐसा है हो रहा डैम, इधर जा रहे हैं भाई साहब लोग अभी वार्म अप कर रहे हैं। हाँ करो करो वार्म अप करो। घर चला जाएगा यहाँ से भी, देखो कितना सुंदर दिख रहा है।